हेलो गाइस, आई एम अंकिता अवस्थी और जो ये मेरी पोयम है इसका टाइटल है बस लड़की एक बार सुहागन हो। इस पोयम को लिखने के पीछे जो मेरी मंशा है वो कुछ इस तरह है कि जैसे एक आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है कि एक लड़की इतनी बड़ी हो जाए तो उसकी बस शादी हो जानी चाहिए। भले वो जिस भी घर जाएगी वहाँ पे वो खुश रहेगी या नहीं रहेगी ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती जब वो एक आयु सीमा को क्रॉस कर जाती है। तो जो मेरी ये पोयम है ये उसी थॉट पे बेस्ड है। तो पोयम कुछ इस तरह से है कि प्यार से पली वो भले दूसरे घर आंगन हो, प्यार से पली वो भले दूसरे घर आंगन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। प्यार से पली वो भले दूसरे घर आंगन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। अपमानित हर अगले पल चाहे वो अभागन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। प्यार से पली वो भले दूसरे घर आंगन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। अपमानित चाहे हर अगले पल वो अभागन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। पापा की लाडली माँ की जान, दादा की गुड़िया दादी की पहचान। पापा की लाडली माँ की जान, दादी की गुड़िया दादा की पहचान। रतियाँ रोए रोए काटे चाहे दिन दिन जागन हो, रतियाँ रोए रोए काटे चाहे दिन दिन जागन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। पायल की छनछन चूड़ियों की खनखन, पायल की छनछन चूड़ियों की खनखन। विदा करते हर कोई बोले बिटिया तेरी हर थी अब उसी घर आंगन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। कैसी ये मजबूरी है, कैसी ये मजबूरी है, क्यों अपमानित वो अभागन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो, बस लड़की एक बार सुहागन हो। गाइस, जो ये मेरी पोयम है मे बी आपको इसके पीछे का जो लिखने का जो औचित्य है वो समझ में आए, और जो भी इसमें कमियां हो वो आप मुझे बता सकते हैं और मैं उनका पूरी तरह से तहे दिल से स्वागत करूंगी अपनी कविताओं में।